कांकेर में धान नहीं खरीदे जाने से किसान परेशान हो रहा है। धान फड़ संचालक यह कहकर धान नहीं खरीद रहे कि धान की गुणवत्ता सही नहीं है। किसानों का कहना है कि इस बार ज्यादा बारिश की वजह से धान का रंग जरूर अच्छा नहीं आया है, पर धान की गुणवत्ता खराब नहीं है। पूर्व की सरकार में इस तरह की परेशानी किसानों को कभी नहीं आई। किसानों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि यही धान बेचकर वो बैंक का कर्ज चुकाएंगे, अपने घर का पालन पोषण करेंगे। कांकेर में परलकोट के 133 गांव में धान खरीदी केंद्र में धान नहीं खरीदे जाने से किसान परेशान हो रहा है। किसानों का धान यह कहकर धान फड़ संचालकों द्वारा वापस कर दिया जाता है कि धान की गुणवत्ता खराब है, जबकि किसानों का कहना है कि इस बार बारिश ज्यादा होने की वजह से धान के दानों पर अच्छे रंग जरूर नहीं आए हैं, पर धान वापस कर दिया जाए वैसा खराब नहीं है। आज तक इस प्रकार की कभी दिक्कत नहीं आई है। भूपेश बघेल की नई सरकार में किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि ये धान बेचकर ही बैंक से लिया गया लोन चुकाना है, घर की जिम्मेदारी भी इस धान बेचने पर ही निर्भर करती है। ऐसे में धान नहीं बिका तो आत्महत्या की नौबत आ जाएगी। धान फड़ संचालकों का कहना है कि ऊपर से आदेश मिला है और बांदे लेम्स के मैनेजर का निर्देश है, सिर्फ अच्छी धान की खरीदी करें, बाकी वापस कर दें। मैं पहले तो मैं बताऊंगी कि धान वापस कर रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा खराब धान है ना, और उसमें काला धान जैसे दे रहे हैं उसमें काला है ना, उसकी गुणवत्ता खराब है। कितने लोग का धान वापस किया था? तो बहुत लोग का है, जैसे हमें आदेश आएगा हम वैसे ही करेंगे ना, कानून का नियम पालन करना हमारा काम है। हमें बताया गया है लेम्स में, मीटिंग में बताया गया है मानिक सर ने, अच्छे धानों को लो, खराब धान को नहीं लिया जाए। वही किसानों की शिकायत है कि धान पर टोकन 40.5 ग्राम का दिया जा रहा है, प्रति बोरी पर धान 41.3 लिया जा रहा है। फड़ों में हमाल खर्च के नाम पर प्रति बोरी 5 से 8 रुपए तक वसूला जा रहा है। धान की गुणवत्ता खराब बोलकर 4 से 6 बोरी धान की मांग की जा रही है। विरोध करने पर धान की गुणवत्ता खराब बोलकर वापस कर दिया जा रहा है। तहसीलदार शेखर मिश्रा का कहना है कि इस बारे में उन्हें जानकारी मिली है और लगातार वो अपनी टीम फड़ों में भेज रहे हैं। किसानों का एक दाना ज्यादा गलत तरीके से नहीं लेने दिया जाएगा। धान का गलत तरीके से परिवहन किया जा रहा है, उस पर अब तक कई कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। किसी एक स्पेसिफिक धान खरीदी केंद्र में खराब धान कह करके लौटाया जा रहा है। मैंने अपनी टीम भेजी है, उसकी रिपोर्ट मुझे प्राप्त नहीं हुई है। किसानों के हितों को लेकर के दो तरफ से काम हो रहे हैं। पहला, हम एकदम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों का एक दाना भी ज़्यादा न लिया जाए। दूसरा, कुछ ये धान विक्रय न कर पाए, तो दोनों तरफ हमारा प्रयास जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी का कहना है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने गंगा जल छू करके कई वादे किए थे, जिसमें किसानों के फसलों का एक एक दाना खरीदे जाने की भी बात कही गई थी। साथ ही कहा था कि 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे, लेकिन उनका कार्यकाल एक साल हो जाने के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। किसानों को सरकार प्रताड़ित कर रही है। किसान वहाँ लैम्प सोसाइटी में धान बेचने जा रहे हैं तो वहाँ पर किसानों को धान को अधिकतर रिजेक्ट किया जा रहा है। कई जगह बोलते हैं आपका धान में भूसा, इसे वापस कभी टोकन के नाम से, कभी बोले आपको 8 क्विंटल तक खरीदेंगे। इस प्रकार से सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो किसानों को बहुत ज़्यादा आक्रोश जनता में है। इस बात को लेकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी बीच में आंदोलन की, आने वाले समय हम किसानों के साथ खड़े हैं और इस व्यवस्था में सुधार सरकार नहीं करती तो किसानों के साथ बड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं। और निश्चित रूप से किसानों के साथ वर्तमान सरकार को तो हम कहना चाहेंगे कोई वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। आपने जो कहा था किसानों के दान का धाना और 2500 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात की, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, लेकिन किसानों के साथ जिस प्रकार की सरकार उनको परेशान कर रही है, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, अभी नगरीय निकाय चुनाव चल रही है इस कारण से हम इस मामले में अभी फिलहाल कोई आंदोलन नहीं, लेकिन आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किसानों के साथ मिलकर के हम करेंगे और निश्चित रूप से हम किसानों के साथ खड़े हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।